नमस्कार, सत्यराम उमा ब्यूटी पार्लर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्रिम्पिंग बताने वाली हूँ। ये देखिए, क्रिम्पिंग के लिए हमने बालों को अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद में हमने बालों को सीधा कर लिया है। और यहाँ पर आप जेल का उपयोग कर सकते हो और हेयर सीरम का आप इसमें उपयोग कर सकते हो, ताकि आपके जो बाल हैं वो डैमेज ना हो और आपके बालों में अच्छे से शाइन आए। इसलिए हम इन चीज़ों का उपयोग करेंगे और बालों में क्रिम्पिंग करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे बालों की क्रिम्पिंग। ये देखिए, क्रिम्पिंग करने के लिए हमने बालों को अच्छे से कंघी कर लिया है और छोटा सा सेक्शन हमने ले लिया है कंघी की सहायता से। अब हम ये देखिए इस तरीके से, देखिए क्रिम्पिंग के लिए हमने इसको दबाते हुए इस तरीके से हम गाइस, इसमें टाइम बहुत लगता है, आपको इसमें धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने ये छोटा सा पोर्शन लिया है उसमें भी टाइम लगता है। ये देखिए इस तरीके से, अगर लंबे बाल हैं तो टाइम लगेगा और बाल छोटे हैं तो फिर नहीं लगेगा। ये देखिए एक तरीके से लाइनें हमारे बालों पर दिख रही है आपको। ये देखिए नेट के लुक में, जो कि पूरे बालों में होने के बाद बहुत ही गुड लुकिंग लगती है। आप चाहो तो ये आधे बालों में भी आप करवा सकते हो और नीचे भी आप कम पोर्शन में आप करवा सकते हो। इसी तरीके से हम आगे वाला सेक्शन लेंगे। देखिए ये गाइस, हमने अभी आपको जेल नहीं लगाया है और हमने सीरम भी नहीं लगाया है, बिना जेल और सीरम के हम आपको क्रिम्पिंग बता रहे हैं। अब जो करेंगे उसमें हम जेल लगाएंगे, बताएंगे आपको कि किस तरीके से जेल लगा के किया जाता है। ये देखिए इसको अच्छे से प्रेस करते हुए दबाते हुए हमें लेना है। ये देखिए इस तरीके से, देखिए आप कितना अच्छा लुक हमारे बालों का आ रहा है, आप खुद देख सकते हो। ये देखिए नेट लुक, ये देखिए ये हमने सेक्शन ले लिया, आधे बाल हम कर चुके हैं। और ये आधे बालों में मैं आपको जेल का उपयोग और सीरम का उपयोग बताऊंगी। तो ये जेल हमने लगा लिया है बालों के। गाइस आप किसी भी पार्लर में जाओ तो जेल या सीरम जरूर लगवाया कीजिए, चाहे आप बाल रोल करवाओ, क्रिम्पिंग करवाओ या नेट लुक, कैसा भी आप जो भी करवाओ, कर्ल करवाओ, स्ट्रेट करवाओ, तो ये ज़रूर लगवाया कीजिए। इनसे जो हमारे बाल डैमेज होते हैं उसका खतरा कम हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से हम दबाते हुए, ये देखिए जेल से और अच्छा लुक हमारा उभर के आया है, आप देख सकते हो। और बालों में शाइन भी आई है, ये देखो शाइनिंग आ गई बालों में। इस तरीके से करते हुए हम इसको छोड़ देंगे। देखिए गाइस, हमने छोटा सा पोर्शन लेके और कंघी कर लिया है और अब हम इसमें सीरम का उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें बालों को, देखिए इस तरीके से पकड़कर अच्छे से सीरम का अप्लाई करना है, देखिए, ताकि बालों में अच्छे से रम जाए। ये देखिए हेयर स्पा में जो जेल लगाया जाता है, जिस तरीके से अप्लाई किया जाता है, उसी तरीके से इसको सीरम का हमें अप्लाई करना है। अब हम ये जो देखिए इस तरीके से दबाते हुए हमें अच्छे से दबाव देना है, तब ये नेट का लुक आएगा। नेट आप आधे में भी कर सकते हो और स्टार्टिंग शुरुआत से भी आप कर सकते हो, या फिर नीचे एंडिंग में आप ले सकते हो। देखिए इस तरीके से आप देख रहे हो कितना अच्छा लुक हमारा आ रहा है नेट का। देखिए
और इस तरीके से हम थोड़े से, इसमें पेशेंस की ज़रूरत है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये आसानी से हो जाती है। आप घर पर आसानी से इसको कर सकते हैं किसी की सहायता से, या खुद भी कर सकते हैं। आधे आधे बालों को डिवाइड करके आगे लेके आप इसको कर सकते हो। ये देखिए, आप देख सकते हो कि सीरम के उपयोग से ये देखिए नेट लुक बहुत अच्छा आया है और इसमें चमक भी आ गई है। हमारे बालों का जो डैमेज होने का खतरा है वो भी इसकी वजह से मिट गया है। फिर से हमने एक छोटा सा सेक्शन लिया है, कंघी कर लिया है और अब हम इसमें हमने कुछ भी नहीं लगाया है, सादा ही हम कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से, ये देखिए पूरे बालों में अप्लाई होने के बाद ये जो नेट लुक है ये बहुत ही गजब का लगता है। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। एक तो आपका टाइम भी बचेगा और आप खुद करोगे, आपको संतोष भी मिलेगा कि हमने कुछ किया है, और इस महंगाई के ज़माने में आपके पैसे की बचत भी होगी। क्योंकि पार्लर में अगर आप करवाने जाते हो तो आपको दूने पैसे इसके देने पड़ेंगे। देखिए किसी शादी पार्टी ओकेजन में आप ये कर सकते हो, अलग हट के आपका लुक लगेगा। ये देखिए गाइस, आप इनको यहाँ से इतने इतने भी आप कर सकते हो। ये देखिए आप लुक देखिए एक बार बालों का, ये देखिए कितना अच्छा लुक हमारे बालों का आया है, आप देख सकते हो। ये देखिए आगे से देखिए आप, जो चेहरा है वो भी हमारा इसकी वजह से अच्छा लग रहा है और नेट का लुक बहुत ही अच्छा आया है। ये देखिए थोड़े अगर बाल ज़्यादा हैं, घने हैं तो टाइम लगता है, बाकी कम बालों में फटाफट से ही हो जाता है। ये देखिए तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए गाइस तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स भेजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट गाइज़।